तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि बेबी को कौन सा बेबी के लिए कौन सा मिल्क बेस्ट है, क्योंकि वैसे तो आपको पता ही है कि हर जगह यही लिखा होता है कि माँ का दूध है जो बच्चे के लिए सर्वोत्तम है, मतलब अच्छा है होता है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कई मम्मा होती हैं कि वो किसी भी कारण, किसी भी प्रॉब्लम से बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती। जैसे कि मेरा बेबी अभी 7th मंथ का हो गया है, तो ये शुरू से ही इसको हम फार्मूला मिल्क देते हैं। तो जैसे कि हमारा घर का दूध होता है, तो हम थोड़ा सा इसको मतलब शुरू से फार्मूला मिल्क के साथ साथ, फिर कुछ टाइम फार्मूला मिल्क दिया हमने इसको, तो कुछ टाइम बाद हमने इसको मतलब जो गाय का दूध होता है उसमें पानी मिक्स करके बिल्कुल पतला सा करके वो दे देते थे। वो भी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो कई बेबी को बकरी का दूध दे देते हैं, पर हमने कभी इसको बकरी का दूध नहीं पिलाया। तो हम तो यही दूध, जैसे कि जब तक मैं घर पे थी तो इसको हमने गाय का दूध दिया था, वो भी अच्छा था इसके लिए, बाकी इसको डाइजेस्ट हो जाता था। और जब हम मतलब घर से दूर आ जाते हैं शहर में, मतलब मैं हस्बैंड के साथ रहती हूँ, तो वहाँ पे आपको पता ही है कि किसी भी शहर में कहीं भी हम बाहर आते हैं तो प्योर दूध नहीं मिलता। पैकेट वाला दूध तो बेबी को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात है अगर बेबी हमारा बाहर का दूध पीता है या मम्मा का दूध नहीं पीता, तो उसके लिए कौन सा मिल्क बेस्ट है, तो यही आज की वीडियो है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने बेबी को शुरू से दे रहे थे, जो कि मतलब फर्स्ट जब बेबी मतलब हुआ था, तो उसके 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद इसको डॉक्टर ने ये दूध लिख के दिया था। लैक्टोजन 1 था उस टाइम, फार्मूला 1 था, क्योंकि अभी तो मेरा बेबी 7th मंथ में है, इसलिए इसको फार्मूला 2 अभी देने लगे हैं। तो आपके हिसाब से ये बेस्ट है लैक्टोजन का जो मतलब है, तो इसको कैसे देना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। आपने जो आरओ वाला पानी होता है, फिल्टर किया हुआ पानी, उसको अच्छी तरह से उबाल लेना है। और उसके बाद उसको उबालने के बाद उसको बिल्कुल मतलब नॉर्मल सा करके, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म हो, बेबी के हिसाब से जितना की हो सकता है उतना पानी करके मतलब उसको ठंडा कर लेना है, थोड़ा सा, ज़्यादा ठंडा नहीं करना। तो उसमें हमने शीशी में, तो जितने हिसाब से हमारी बेबी की भूख है, जैसे थोड़ा सा पानी डालते हैं तो उसमें उसके हिसाब से ही इसमें होता है कि कितने चम्मच इसके डालने हैं दूध के। तो उसको ऐसे ऐसे करके शीशी को हिला के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, तो ये बेबी के लिए बेस्ट है। तो हमने लैक्टोजन का दूध इसके लिए बेस्ट है जो कि डॉक्टर ने हमको बताया था। तो कुछ दिन हमने इसको ये पिलाया, मतलब 1 महीना तो हमने ये पिलाया था इसको, उसके बाद हमने इसको गाय का दूध ही दिया था, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। तो अब मैं बाहर रहती हूँ तो अब मैं यही दूध पिलाती हूँ लैक्टोजन का, तो काफ़ी अच्छा है। इसमें मतलब फ्लावट होती है बेबी का, मतलब अच्छी ग्रोथ हो जाती है, फेस भी मतलब बच्चा फूलता है इस दूध के साथ। जैसे बच्चा बाहर का दूध अगर हम पिलाएंगे पैकेट वाला या कोई भी, तो बच्चा मतलब बिल्कुल वीक सा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो ये दूध पिलाओगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा बेबी के लिए। और ये इसमें हमने पहले तो ये डिब्बा मंगवाया था, ऐसा डिब्बा भी आता है इसकी, ऐसी पैकिंग होती है। तो ये आफ्टर 6 मंथ के बाद तो 2 फार्मूला लगता है, तो 6 मंथ से पहले का होता है जो, वो होता है फार्मूला 1। तो ये दूध आप मंगवा सकते हैं, ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, वैसे हमने तो इसको केमिस्ट शॉप से ही मंगवाया है, तो काफ़ी अच्छा है। तो ये देखें, ये डिब्बा, इस बार हमने ये डिब्बा मंगवाया है, तो ये डिब्बा ऐसे है, तो ऐसे इसको मतलब मैंने बिल्कुल नहीं खोला, क्योंकि कोई डस्ट वगैरह या कोई चीज़ इसमें एंटर ना कर जाए, इसलिए इतना खोलती हूँ मैं। और इसके साथ मैं दिखाती हूँ आपको कैसे स्पून मिलते हैं, तो ऐसा चम्मच मिलता है इसके साथ। तो ये हमने अपने हिसाब से डालना है, जितना हमारा दूध, जितना हमारा पानी है उतना ही उसी हिसाब से हम दूध को डाल सकते हैं। ये ज़्यादा भी नहीं डालना, क्योंकि इससे बिल्कुल पानी गाढ़ा हो जाता है, तो बच्चे को पानी की मात्रा, पानी की कमी हो जाती है। अगर ज़्यादा गाढ़ा दूध होगा तो पानी का कोई असर नहीं रहेगा। अगर ये हम कम डालते हैं तो बच्चा मतलब
सिंपल पानी पिएगा उसमें दूध का कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको। इसलिए ये हिसाब होता है, इस पे लिखा हुआ है सारा कि कितने पानी में कितना कितने स्पून डालने हैं, तो इसमें सारी लिखी होती है, आप वो देख सकते हो। इसमें फीडिंग टेबल लिख रखा है तो ये देख सकते हैं आप। और आप भी अगर अपने आपका बच्चा भी अगर मदर फीड नहीं करता, मदर मतलब ब्रेस्ट फीड नहीं करता, तो आप ये दूध पिला सकते हो। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूलेज हैं जो कि केमिस्ट शॉप से मिल जाते हैं, बाकी डॉक्टर लिखते हैं वो तो पता लग ही जाता है, पर सबसे मेरे को अच्छा यही लगा क्योंकि इससे बेबी की मतलब मेरा बेबी आपने वीडियोज़ में देखा होगा काफ़ी वीडियोज़ में, तो काफ़ी अच्छी उनकी मतलब ग्रोथ काफ़ी अच्छा कर रहा है और काफ़ी अच्छी उसकी मतलब हेल्दी है बेबी, तो बिल्कुल भी वीक नहीं होने दिया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस दूध का। तो आप ये दूध ले सकते हो। अब और इस पे लिखा हुआ भी है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है लिखा हुआ है, तो फिर भी क्या करें, मजबूरी है, अगर हमारा बच्चा वो ब्रेस्ट फीड नहीं करता तो ये दूध एक तरह की मजबूरी ही होती है, पर फिर भी अच्छा है ये दूध, पैकेट वाले से तो अच्छा ही है और नेस्ले का है ये। तो फ्रेंड्स यही आपको जानकारी देनी थी, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कमेंट करके आपने ज़रूर बताना कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, तो उसी टाइप की वीडियो आपके लिए रोज़ाना मैं लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।